मेमोरी के अंदर एंड द एड्रेस ऑफ द मेमोरी इज स्टोर इन रजिस्टर तो उसके बाद जो एड्रेस ऑफ द मेमोरी होगा वो स्टोर होगा अंदर टाइप्स 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 ऑफ ऑफ सिस्टम सिस्टम कॉल्स कॉल्स देयर आर फाइव पांच की सिस्टम कॉल्स होती है फर्स्ट इज प्रोसेस कंट्रोल फाइल मैनेजमेंट डिवाइस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन सबसे पहले आपकी प्रोसेस कंट्रोल अ प्रोसेस इज अ बेसिक एंटिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेस सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड एंटिटी मतलब सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड प्रोस, प्रोसेस होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर प्रोसेस क्या होता है व्हेन द प्रोग्राम इज इन द एक्टिव स्टेट इन द कंप्यूटर सिस्टम जो भी प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूशन में होता है अपनी जब वो एग्जीक्यूशन कर रहे होता है अपनी इंस्ट्रक्शन को तो उसको हम प्रोसेस कहते हैं द प्रोसेस इज द सिस्टम नीड टू क्रिएट डिलीट एंड मोडिफाइड डेटा जो सिस्टम कॉल्स हैं वो हैं आपकी क्रिएट डिलीट एंड मॉडिफाई अब उसके अंदर जो प्रोसेस है उस सिस्टम के अंदर वो उसको उसकी ज़रूरत है कि हम लोग उसको क्रिएट करें डिलीट करें मॉडिफाई कर सकते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर फोक फोक एक सिस्टम कॉल है जिसका मीनिंग है क्रिएट आर प्रोसेस एग्जिस्ट एग्जिट मतलब कि टर्मिनेट आफ प्रोसेस किल मतलब कि टर्मिनेट आफ प्रोसेस अब नॉर्मली मतलब कि इंक्रीज द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस सेकेंड टाइप ऑफ फाइल सिस्टम कॉल्स इज फाइल फाइल मैनेजमेंट सम कॉमन सिस्टम कॉल्स आर द क्रिएट डिलीट रीड राइट ट्रीपोजिशन और क्लोज सो देर इज नीड टू डिटरमाइन द फाइल एट्रीब्यूट्स डिवाइस मैनेजमेंट के होता है आपका डिवाइस मैनेजमेंट इज आर सिमिलर टू फाइल्स जो भी प्रोसेस हमारे पास डिवाइस के अंदर है वही फाइल के अंदर होएगा जो फाइल के, हो के अंदर है वही डिवाइस के अंदर होएगा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या होता है सम सिस्टम कॉल्स एग्जिस्ट फॉर ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन यूजर प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ सिस्टम कॉल्स ऐसे भी होते हैं जो ट्रांसफ़र करते हैं इन्फॉर्मेशन को बिटवीन द यूजर प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें हम इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्स कहते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है देर आर टू मॉडल्स मैसेज पासिंग एंड शेयर्ड मॉडल्स सो कम्युनिकेशन जो होता है वो आपका दो दो प्रोसेस के बीच में भी हो सकता है दो प्रोसेस इन द सेम कंप्यूटर सिस्टम और इन डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आपके पास ऑल दी लेयर्ड कैन बी डिफाइंड सेपरेटली एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर एज रिक्वायर्ड जो जितने भी लेयर हैं वो उनको हम अप, अलग अलग तरीके से मतलब देयर आर सेवन टाइप्स ऑफ लेयर्स सो दे आर सिक्स टाइप्स ऑफ लेयर्स एंड जितनी भी लेयर्स हैं वो सारी की सारी अलग अलग सेपरेटली उनको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग ईच लेयर हैज़ रिक्वायर्ड लेयरिंग प्रोवाइड अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक लेयर की अपनी एडवांटेज है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इट इज ईजी टू मेन्टेन क्रिएट एंड अपडेट द सिस्टम और इससे ईजी हो जाता है क्रिएट करना डिलीट अपडेट करना सिस्टम को ईच लेयर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट विद ईच अदर जितनी भी लेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम के वो आपस में इंटरेक्ट कर सकती है देर आर सिक्स लेपरेटिंग सिस्टम टाइप के लेयर्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इन विच द द लोएस्ट लेयर लेयर हैंडल्स हार्डवेयर जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो हैंडल करती है हार्डवेयर को और जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो करती है एप्लीकेशन लेयर सो लेर आर सिक्स टाइप्स ऑफ लेयर्स फर्स्ट इज हार्डवेयर सेकेंड इज सी पी यू शेड्यूलिंग थर्ड इज मेमरी मैनेजमेंट फोर्थ इज प्रोसेस मैनेजमेंट फिफ्थ इज इनपुट आउटपुट बफर एंड इज प्रोग्राम और यूजर uh, प्रोग्राम और एप्लीकेशन। सो so, सबसे पहली लेयर है आपकी हार्डवेयर दिस लेयर इंटरेक्ट विद द सिस्टम हार्डवेयर एंड कोऑर्डिनेट्स विद ऑल द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज्ड सच एज प्रिंटर कीबोर्ड सेक्टर। सो ये सबसे पहली लेयर है तो ये इंटरेक्ट करती है हार्डवेयर के अंदर हार्डवेयर के अंदर भी जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं प्रिंटर्स हो गया कीबोर्ड हो गया द हार्डवेयर लेयर इज़ द लोएस्ट लेयर इन द लेअर ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर सी पी यू शेड्यूलिंग क्या है इट डील्स विद द शेड्यूलिंग प्रोसेस फॉर द सी पी यू जितनी भी शेड्यूलिंग प्रोसेस होती हैं सी पी यू के अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर वो डील करते हैं सी पी यू शेड्यूलिंग लेयर जो सेकेंड लेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमरी मैनेजमेंट इज द थर्ड लेयर इन देश सिस्टम इट डील्स विद द मैमरी एंड द मूविंग ऑफ प्रोसेस फ्राम द डिस्क टू द मेमरी टू द प्राइमरी मेमरी तो ये डील करती है मेमोरी मैनेजमेंट मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है क्योंकि हमारे पास जो मेमोरी होती है वो एक स्पेसिफ़िक अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है और हमारे पास प्रोग्राम्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स और एप्प्केशन सॉफ्टवेयर्स वो बहुत सारे होते हैं तो उसको मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हर एक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन थ्रू मेमोरी ही होती है अब जितनी भी जितनी ज़्यादा मेमोरी यूज़ होएगी उतना ज़्यादा कंप्यूटर के लिए बहुत हैवीनेस फील होएगा पर जितनी एक प्रॉपर तरीके से मेमोरी मैनेजमेंट होएगी उस उस हिसाब से उसको बहुत ज़्यादा इजी रहेगा एग्जीक्यूशन uh, के लिए प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूशन के लिए सो प्रोसेस मैनेजमेंट इज़ फोर्थ लेयर सो दिस लेयर इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द प्रोसेस ये लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है मैनेज करने के लिए प्रोसेस को प्रोसेस सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर असाइनिंग दी प्रोसेस टू द प्रोसेस मतलब कि जो जितने भी प्रोसेसर हैं उनको प्रोसेस को असाइन करना रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोसेस मैनेजमेंट की होती है सो दिस इज़ नोन एज प्रोसेस शेड्यूलिंग इट इट इंक्लूड एफ सी एफ एस और इसके अंदर जो होते हैं वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शॉर्ट एज जॉब फर्स्ट और राउंड रोबिन ये प्रोसेस हैं ये इसके अंदर शेड्यूलिंग्स हैं प्रोसेस तो नहीं है ये शेड्यूलिंग्स हैं Uh, आपकी फिफ्थ लेयर है आपकी इनपुट आउटपुट बफर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर इंपॉर्टेंट इन द कंप्यूटर सिस्टम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर सिस्टम के लिए क्योंकि इनपुट ही आएगी तभी आउटपुट आएगी सो दे प्रोवाइड यूजर विद द मीनस ऑफ इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम और ये प्रोवाइड करते हैं इंट्रैक्टिंग बिटवीन द यूजर्स एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर द लेयर हैंडल्स द बफर्स फॉर द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड मेक श्योर देयर इज वर्किंग करेक्टली जो इनपुट आउटपुट बफर लेयर है ये ये एक तरह की लेयर ऐसी है जो आ, आ, जो ये कंट्रोल करती है कि जो इनपुट हमारा हम दे रहे हैं जो यूजर इनपुट प्रोवाइड कर रहा है कंप्यूटर सिस्टम को वो करेक्ट है कि नहीं है यूजर प्रोग्राम देर इज अस्ट लेवल लेयर इन ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा ऊपर मतलब कि सबसे ज़्यादा टॉप पे जो लेयर है उसको हम कहते हैं यूजर प्रोग्राम और एप्लीकेशन दिस लेयर डील्स विद द मैनी यूजर्स प्रोग्राम्स एंड ऐप्स ये जो लेयर है ये बहुत ज़्यादा डील करती है प्रोग्राम्स और ऐप्स के अंदर दैट रन इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज वर्ड प्रोग्राम गेम्स ब्राउजर एक्सेट्रा सो माइक्रो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपका इट इज़ द मिनिमम सॉफ्टवेयर दैट इज रिक्वायर्ड टू करेक्टली इम्पलीमेंट एन ऑपरेटिंग सिस्टम ये सबसे मतलब कि कम से कम ये वाला सॉफ्टवेयर तो ज़रूरी है अगर जो करेक्टली इम्प्लीमेंट करना है ऑपरेटिंग सिस्टम को दिस कंटेन बेसिक रिक्वायरमेंट एज मेमोरी प्रोसेस शेड्यूलिंग मैकेनिज्म्स एंड बेसिक इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन और इसके लिए बहुत ज़्यादा बेसिक सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है मेमोरी की प्रोसेस की शेड्यूलिंग की मेमरी मकैनिज्म की और एंड बेसिक इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन सो दिस सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूटिंग एट अ प्रिविलेज्ड लेवल एग्जांपल कर्नल मोड तो ये जो होता है ये आपका सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन होती है एट द कर्नल मोड ऑफ द द द ऑफ ऑफ ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सो एसेंशियल कंपोनेंट्स माइक्रो कर्नल सिस्टम इज मेमोरी मैनेजमेंट इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन डिवाइस मैनेजमेंट एंड फाइल मैनेजमेंट डिवाइस मैनेजमेंट फाइल मैनेजमेंट और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन और मेमोरी मैनेजमेंट ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं अब इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है

दोनों के अंदर डिफरेंस है सो so, डिफरेंस क्या है डिफरेंस बिटवीन माइक्रोकर्नल एंड माइ मोनोलिथिक ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोकर्नल इज स्मॉलर इन साइज माइक्रोकर्नल आपका छोटा है साइज के अंदर और माइक्रोकर्नल इज ईजिली एक्सटेंसिबल एग्जीक्यूशन इज स्मॉलर इन माइक्रोकर्नल और मोर कोडिंग रिक्वायर्ड इन माइक्रोकर्नल जितनी भी कोडिंग मतलब ज़्यादा कोडिंग रिक्वायर्ड है स्मॉलर इन एग्जीक्यूशन जो है वो कम है माइक्रो कर्नल की मोनोलिथिक के हिसाब से साइज uh, भी छोटा है और बहुत ही ज्यादा मतलब डिसएडवांटेजेस एज कंपेयर टू मोनोलिथिक ऑपरेटिंग सिस्टम और जो मोनोलिथिक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके अंदर मोनोलिथिक इज लार्जर इन साइज वो बढ़ोएगा साइज के अंदर वो इजीली एक्सटेंसिबल नहीं होएगा और एग्जीक्यूशन जो होगी वो हायर होएगी माइक्रो मोनोलिथिक की और कम कोडिंग रिक्वायर्ड होगी मोनोलिथिक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सो व्हाट इज़ वर्चुअल मशीन अ वर्चुअल मशीन इज अ मशीन विच डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली वर्चुअल मशीन एक ऐसी मशीन है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती बट यूजर बिलीव दैट देर इज अ मशीन बट यूजर यानी कि हम लोग और जो आ, जो लोग कंप्यूटर यूज करें बट वो बिलीव करते हैं कि कोई मशीन है द फंडामेंटल आइडिया बिहाइंड वर्चुअल मशीन इज टू एब दार्डवेयर ऑफ द सिंगल कंप्यूटर thereby creating बाय the क्रिएटिंग that each separate execution सेपरेट is running its रनिंग इट्स ओन कम प्राइवेट कम्प्यूटर इसका जो फंडामेंटल आइडिया था वो इस ये था कि ताकि जो कंप्यूटर के जो जितने भी प्रोग्राम हैं वो अपने प्रॉपर उनके एग्जीक्यूशन प्रॉपर तरीके से हो सके उनके लिए एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया था ताकि उनकी जो रनिंग है जो एग्जीक्यूशन है जो जो इंस्ट्रक्शंस की जो एग्जीक्यूशन है वो प्रॉपर तरीके से पूरी हो सके इट्स प्रोवाइज एन इन्वायरमेंट फॉर द एग्क्यूशन ऑफ़ द प्रोग्राम तो वर्चुअल मशीन जो है वो इंट्रैक्ट करती है हार्डवेयर के साथ